नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो रहेगा वो है 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न, और ये पेपर है समान अध्ययन पेपर सेकंड का। समान अध्ययन पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल हिस्ट्री इतिहास के लिए मैंने ऑलरेडी अति संभावित प्रश्न दे चुका हूं। आज जो है वो है समान अध्ययन पेपर टू का। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अति संभावित, वही क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं, और जिससे कि आपको भी लगे कि नहीं है संभावना है, उसी क्वेश्चन को मैं लाने की कोशिश किया हूं। और साथ साथ में दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, दिल करे तो रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अति संभावित प्रश्नों का, समान अध्ययन पेपर सेकेंड का। पहला जो है यह है खंड एक का, भारतीय राजव्यवस्था का। भारतीय राजनीतिक में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारतीय राजनीतिक में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब क्या, भारतीय राजनीति में जो प्रमुख दबाव है, दबावों का जो समूह है, उसको पहचान करना है, बताना है, और साथ साथ में ये भी बताना है कि भारतीय राजनीतिक में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, दोस्तों एक बात बता दूं, ये पुरानी क्वेश्चन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, जिस समय कैमरे से इसकी फोटो ले रहा था उसमें वजह से हिल जाने की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा आ गया है, ये न्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि पेपर पीछे से थोड़ा सा कैमरे की वजह से गलत तरीके से पेपर जो है पूरी स्पष्टता नहीं आया, लिखा हुआ स्पष्ट है लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करना है। प्रस्तावना का या फिर उद्देश्य का, दोनों में से एक का, प्रकृतिक या महत्व, इसी में अथवा करके जो है एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार तत्वों उसकी प्रस्तावना में निहित है, विवेचना करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एवं सीबीआई के बीच घटित घटनाओं पर प्रकाश डालिए। जो अभी घटा है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं और सीबीआई के बीच में जो घटना घटित हुई है, इस पर आपको प्रकाश डालना, इसको लिखना है, और साथ साथ में वर्तमान समय में केंद्र और राज्य संबंधों पर संवैधानिक स्थिति को भी स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार की राजनीतिक में राज्यपाल की शक्तियां और वास्तविक स्थिति का वर्णन करना है, बिहार की राजनीतिक में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वर्ण आरक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के वोट बैंक दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण के लिए अतिरिक्त आप क्या तरीका सुझाएंगे, इसको बताना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए गठबंधन की राजनीतिक या फिर गठबंधन सरकार का आपको वर्णन करना है और बताना है दलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट जो है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए, या फिर ग्राम स्तर पर राजनीतिक चेतना एवं नारी सशक्तिकरण पर 73वें संविधान संशोधन के प्रभाव का बिहार के विशेष संदर्भ में आपको परीक्षण करना है। नेक्स्ट जो है, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्ष का विरोध है। हिंदुत्व अवधारणा धर्मनिरपेक्ष का विरोध है, बताना है, और अपना मत भी यहां पे रखना होगा। नेक्स्ट जो है, राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का वर्णन करें तथा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करना है, अथवा या फिर बिहार के मुख्यमंत्री राज प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण आपको करना होगा। नेक्स्ट में है, जाति और वर्ग भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति और वर्ग भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करें। अब जो है इसका खंड दो, खंड दो में क्या है, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन जो है, बिहार में भूमि सुधार कार्यक्रम का आलोचनात्मक वर्णन करना होगा। भूमि सुधार का
नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है, क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है? बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा है विवेचना करना है आपको। क्षेत्रीय विकास का तात्पर्य भी बताना है और जहाँ तक बिहार में जो है आर्थिक विकास और क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा, दोनों उसको विवेचना करके बताना होगा आपको। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको रोक के समझा दूँ, ये अति संभावित प्रश्न है। हम आपसे इतना ही गुजारिश करेंगे कि आप जो है एक बार कम से कम इसको ज़रूर देख के जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश 100% है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इतना करने में क्या दिक्कत है, जितना कर सकते थे आपने किया, लेकिन इसको भी एक नज़र से एक बार ज़रूर देख के जाइए। ये कल ना हो कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आपको अफसोस का मुंह देखना पड़े, ये न कहना पड़ जाए काश देख लिए होते तो कुछ और होते। बाकी आपकी इच्छा है, आपका वक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं वरन श्रम शक्तियों को रोजगार क्षमता का बढ़ाना है। मतलब क्या, भारत में जो है दीर्घकालीन रोजगार नीति का जो मुख्य मुद्दा है वो रोजगार प्रदान करना नहीं है बल्कि श्रम शक्तियों को रोजगार क्षमता में बढ़ाना है। इस कथन की विवेचना गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और प्रशिक्षण की मार्फत ज्ञान और दक्षता के विकास पर विशेष संदर्भ में आपको करना है, या फिर अथवा बिहार में बाढ़ सूखा समस्या का विवेचना करते हुए इसके निदान का उपाय बताइए। बिहार में बाढ़ सूखा और समस्या का जो विश्लेषण करना है और निदान बताना होगा आपको। नेक्स्ट जो है, विकास की संपूर्ण भावना के होते हुए भी बिहार भारत का पिछड़ा राज्य माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। जबकि बिहार में विकास की संपूर्ण भावना है फिर भी बिहार जो है भारत का पिछड़ा राज्य माना जाता है, या बिहार में उद्योग के लिए संसाधन संभाव्यता योजना तथा विकास का परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार या फिर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना का आपको वर्णन करना होगा, साथ साथ में भारत के प्राकृतिक विभाजन का वर्णन करना होगा, साथ में या तो अथवा हिमालय की उत्पत्ति का विश्लेषण आपको करना होगा। नेक्स्ट जो है, हिमालय की नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां को समझाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां जो है उसको समझाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित पर पहला जो है आपदा या फिर आपदा प्रबंधन पे, दूसरा जो है बाल श्रम पे, तीसरा जो है भारतीय मिट्टी पे, चौथा जो है भारतीय वन पे, पांचवा जो है जनसंख्या विस्फोट पे, छठा जो है निजीकरण उदारीकरण पे, सातवां जो है लघु और कुटीर उद्योग पे, आठवां जो है भारतीय किसान और मानसून पे, खंड तीसरा चलते हैं। अब जो है खंड तीसरा जो है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है वो है, भारत के लिए प्रदूषण एक गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए एवं बताइए कि शासन द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं एवं कौन से अनिवार्य कदम जो है उठाए जाने चाहिए तथा जनता द्वारा भी कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए, इसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों को किस रूप में देखते हैं, उनके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है उसको बताइए। नेक्स्ट जो है, वर्तमान युग में आधुनिक सूचना क्रांति के महत्व को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का वर्णन करना है, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का अथवा वर्तमान भारतीय प्रतिरक्षा विकास कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा, यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा विकास कार्यक्रम विस्तार पूर्वक से बताना होगा। नेक्स्ट जो है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, यह किस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी में क्रांति लाई है, नैनो टेक्नोलॉजी इसको बताना है। नेक्स्ट जो है, भारत में ऊर्जा संकट के कारण और समाधान पर जो है आपको प्रकाश डालना है, ऊर्जा संकट पे कारण पे और बताना है, और प्लस में इसके समाधान क्या हो सकते हैं उसको प्रकाश डालना बताना होगा आपको। नेक्स्ट जो है, बायोगैस टेक्नोलॉजी क्या है, इसके विकास के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है,
बायोगैस टेक्नोलॉजी, इसके विकास के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, अथवा कचरे के प्रबंधन तथा इसके उत्पन्न ऊर्जा की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। कचरे के प्रबंधन तथा इसके उत्पन्न ऊर्जा की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट जो है जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसके उपयोग के विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके उपयोग का जो है उसके विस्तार से वर्णन करना है। साथ साथ में मानव स्वास्थ्य सुधार में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को भी बताना है। कहने का मतलब ये कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है वो बताना है पहले, उसके बाद इसके उपयोग का जो विस्तार से वर्णन करना है, इसके उपयोग कैसा है इसको विस्तार से आपको समझाना होगा। साथ साथ में यह मानव के स्वास्थ्य सुधार में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व क्या है इसको भी आपको बताना है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित पर जो है टिप्पणी लिखना। पहला जो है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, दूसरा जो है जैव विविधता पर, तीसरा जो है लेजर पर बताना होगा, चौथा जो है वो रडार पे बताना होगा, पांचवा जो है ट्रांजेनिक फसल पे बताना होगा, छठा जो है नदी प्रदूषण यानी कि गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना, नदी प्रदूषण में गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य में बताना, सातवां जो है जैविक खेती क्या है इसके बारे में आपको समझाना है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, सारे के सारे को आप देख के ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो समान अध्ययन दो का सेकेंड का जितने भी क्वेश्चन अति संभावित हैं मैंने कोशिश किया आपको बता देने का। अब कोशिश आपको है कि आप इसको देखिए, समझिए, साथ साथ में जीएस फर्स्ट यानी समान अध्ययन फर्स्ट का भी दे दिया हूँ और वैकल्पिक विषय जो इतिहास जो है उसके अभी दे दिया हूँ। आगे आने वाला जो भी वैकल्पिक विषय मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके भी प्रश्न कहीं से मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आ जाने के बाद मैं उसे भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और बता दूंगा। साथ साथ में दोस्तों एक बात और, आप देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बात कीजिए, बताइए, या और क्या इसकी आपकी आवश्यकता है वो ज़रूर हमें लिखिए, और कौन से विषय की आपको क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन चाहिए आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा वो प्रोवाइड आपके सामने रख सकूँ। साथ साथ में दोस्तों आपकी कोशिश रहेगी कि आप इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।